नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। चीन में अमेरिका के 4 प्रशिक्षकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। चीनी पुलिस के अनुसार चारों पर एक संदिग्ध ने उस वक्त हमला कर दिया जब वह उत्तर पूर्वी शहर जिलिन में एक चीनी विश्वविद्यालय में अपना काम करने गए थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर आरएसएस ने प्रतिक्रिया दी। आरएसएस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अति आत्मविश्वास की वजह से ऐसे परिणाम आए हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में लिखा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज सुनने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन फॉलोइंग की चमक का आनंद ले रहे थे। आरएसएस ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता चुनावी सहयोग के लिए स्वयंसेवकों तक नहीं पहुंचे, वहीं भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जो जमीन पर काम कर रहे थे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को जिताने पर लोगों का आभार भी जताया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक साल बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जताई है और कहा कि संघर्ष से जूझ रहे राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। संघ प्रमुख ने चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने से पहले चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि अमरावती अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने शपथ लेने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया। सिक्किम सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीते असम के कांग्रेसी नेता रकीबुल हुसैन ने असम विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपसभापति नुमाल मोमिन और कई कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी को अपना त्याग पत्र सौंपा। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। यूपी में नई तबादला नीति हुई मंजूर, कई प्रस्ताव पर और लगी मुहर। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही बिहार में भाजपा नेताओं के सुर बदल गए हैं, जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया। सिन्हा ने शपथ ग्रहण से लौटने के बाद पटना में कहा कि एनडीए की सरकार में कोई किंग मेकर नहीं है, हमारी सरकार में हर कोई देश के लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और सांसदों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब विभागों का बंटवारा हो गया है। धीरे धीरे सभी मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय दे दिया गया है। पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन में दिख रही है पुलिस, जहां काउंटर इंटेलिजेंट ने हीरोइन का कारोबार करने के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशे की यह खेप पाकिस्तान से भेजा गया था। कुछ दिन पहले ही ड्रोन से अटारी क्षेत्र में हीरोइन गिराई गई थी। आरोपितों के कब्जे से 7.5 किलो हीरोइन, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। हरियाणा के भिवानी में लिविन में रह रही महिला की मौत, पीठ पर मिले लाठियों से पीटने के निशान, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के कारण हाल हुआ बेहाल, मैदानी इलाके में जारी किया गया लू को लेकर अलर्ट। झारखंड के गिरिडीह से आजसू के नवनिर्वाचित सांसद और वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री पद नहीं मिलने के कारण भाजपा से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले दीपक बैज, पार्टी की हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस ने जिस गति से मेहनत की उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ पाया। मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। यहां पदभार ग्रहण करने के बाद शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज के सीनियर ट्रेनी डॉक्टरों पर रैगिंग के आरोप लगे हैं, जिसके बाद दो प्रशिक्षु चिकित्सकों पर 1-1 लाख और दो पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले में घायल हुए मेरठ के प्रदीप कुमार ने घटना को लेकर नए खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि हमले के बाद हमारी बस खाई में गिर गई। अगर बस खाई में नहीं गिरती तो आतंकी हम सभी को मार डालते। खाई में गिरने से हम जिंदा बच गए। हालांकि खाई में गिरने के बाद भी आतंकी गोली चला रहे थे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने उन 4 पुलिस अधिकारियों को फिर से पुरानी पोस्ट पर भेज दिया है, जिन पर वह लोकसभा चुनाव से पहले सेवा दे रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने भी 4 पुलिस अधिकारियों को उनके पद से हटाकर गैर चुनावी पद पर ट्रांसफर कर दिया था। चौथे दिन भी अनशन पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जांगड़े बोले, सरकार को हमारे दुर्दशा की जरा भी चिंता नहीं है, मराठा समुदाय उन्हें सबक सिखाएगा। गुजरात में मानसून की शुरुआत हो गई है, जहां 12 से 17 जून तक अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत समेत कई जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। इससे भीषण गर्मी से तप रहे गुजरात के लोगों को राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 8 सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा जिले के भंडाना में प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के सभी 8 सांसद, 2 दर्जन पूर्व मंत्री और विधायकों सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिप्लोमा टेक्नीशियन के 116 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थी ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट hal-india.co.in पर जाकर आवेदन कर लें। दालचीनी एक लोकप्रिय गरम मसाला है, जिसे आमतौर पर विभिन्न व्यंजनों में इसकी सुगंध व अनोखे स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सुगंधित मसाला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसी वजह से दालचीनी का पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल कम करने, हार्ट हेल्थ में सुधार करने और वजन घटाने में मदद मिलती है। यहाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो पर लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑप्शन को दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।